one question that always comes in your mind, that is, should you take whey protein or not? Hey guys, this is Shweta Singh and welcome back to my channel FitFunda Shweta Singh. So आज का जो टॉपिक है हमारा वे प्रोटीन के बारे में है कि वे प्रोटीन सेफ है कि नहीं आपके लिए, किसको लेना चाहिए या कब लेना चाहिए और कितनी डोसेज होनी चाहिए. गाइज वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा सो दैट आपके लिए मतलब वे प्रोटीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुझे पता है, तो वो चीज़ें मिस ना हो आपसे. मुझे पता है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं वे प्रोटीन से रिलेटेड कि वे प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या लड़कियों को लेना चाहिए कि नहीं, या टीनेजर्स को लेना चाहिए कि नहीं. अक्सर मैंने देखा है, मैं हालांकि मेरे साथ भी हुआ है कि मेरी फैमिली ने मेरे पेरेंट्स ने रिस्ट्रिक्शन उठाए कि यार ये सब चीज़ें मत लो, ये नहीं है अच्छी, सप्लीमेंट्स आर नॉट गुड. क्योंकि नॉलेज की कमी होने की वजह से तो लोगों के मिथ्स तो आ ही जाते हैं. तो गाइस आज जो है, आज हम ये छोटे छोटे जो मिथ्स हैं है ना, तो वो हम क्लियर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार वे प्रोटीन है क्या और कैसे बनता है. तो वे प्रोटीन इज गाइस जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, मतलब दूध से बना होता है जो कि बहुत ही नेचुरल है. दूध में से आप लैक्टोज निकाल देते हो, आप कार्ब्स निकाल देते हो और देन फैट्स. तो ये तीन चीज़ निकालने के बाद वे प्रोटीन बनता है. 2-4 लीटर अगर दूध होता है उससे प्रोसेसिंग के बाद एक स्कूप वे प्रोटीन बनता है, इसीलिए वो इतना महंगा होता है गाइस. सो वे प्रोटीन का इतना सिंपल फॉर्म, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. आपने देखा होगा जब आप दही बनाते हो तो दही की जो एक ऊपर वाली लेयर होती है पानी वाली जो तैरती है, वो वे प्रोटीन है. तो ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन पता नहीं कहाँ से बना है. वे प्रोटीन जो हम दो रोज दूध पीते हैं उससे बना हुआ है गाइस. तो एक जस्ट अ नेचुरल थिंग और उसे कोई भी ले सकता है. ऐसा नहीं है कि 18 साल जो टीनेजर है, 18 साल के कम बच्चा है उसको नहीं लेना चाहिए या लड़कियों को नहीं लेना चाहिए वे प्रोटीन. ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी उस डब्बे में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि किस इनको नहीं लेना चाहिए. बट यस, कुछ कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि किसको लेना चाहिए. सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि वे प्रोटीन किसको लेना चाहिए, वो ये कि जो वर्कआउट करता है वो वे प्रोटीन ले सकता है. अगर वो कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, सुबह से शाम तक अपना ऑफिस जाता है आता है और जिम में भी नहीं जाता, या नॉर्मली भी घर पे भी एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए. दूसरा ये कि अगर कोई बिगनर है और उसने नया नया ही वर्कआउट करना शुरू किया है, तो उसको भी 2-3 महीने वेट करना चाहिए सो दैट उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना, उसको भी आदत पड़े एक्सरसाइज करने की, सो दैट उसको बाद में रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में. तो 1-2 महीने या 2-3 महीने वो वेट कर सकता है, उसके बाद वे प्रोटीन स्टार्ट कर सकता है. तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप अपने नेचुरल फूड से प्रोटीन इनटेक सही नहीं रख रहे हो, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. आपका सप्लीमेंट आपको वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं पूरी फुलफिल कर पाएगा. तो इट्स बेटर कि आप अपनी नेचुरल फूड से अपनी प्रोटीन इनटेक सही रखो, सो दैट आप जब भी वे प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. चौथा पॉइंट ये कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, मतलब 4-5 लीटर आप डेली पानी पीजिए, सो दैट वे प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, आपकी मसल्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और आपकी किडनी को भी लोड ना पड़े. सो गाइस अब हम बात करेंगे कि आपका जो वे प्रोटीन का जो टाइमिंग है वो क्या होना चाहिए, बेस्ट टाइमिंग कि आप कब ले सकते हैं और किसको कितना लेना चाहिए. सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है. तो आपका अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको पहले चेक करना होगा कि आपकी प्रोटीन की इनटेक कितनी है डेली बेसिस पे. उस बेसिस पे आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी इनटेक आ रही है कि आपको डेली 100 ग्राम्स लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 75% to 80% आप अपनी जो ग्राम्स की इनटेक है प्रोटीन की वो नेचुरल फूड से लीजिए और बाकी 20-25% आप वे प्रोटीन से ले सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, 75 ग्राम्स आप अपना फूड से ले सकते हैं, 25 जो ग्राम्स है प्रोटीन का एक स्कूप में नॉर्मली होता है 20-25 ग्राम, तो आप वे प्रोटीन का एक स्कूप
ले सकते हैं, वो भी वर्कआउट के बाद, ठीक बात, ठीक है। अब जैसे किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जैसे 200 ग्राम्स हो गया, तो वो क्या कर सकता है, अपनी डेली इनटेक जो है वे प्रोटीन की, वो दो स्कूप ले सकता है, 25 ग्राम्स के दो स्कूप ले सकता है, 150 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक वो अपने नेचुरल फूड से ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है। अभी क्या करना है आपको, आपको अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन इनटेक की ज़रूरत है, जैसे आपको एक स्कूप से ज़्यादा की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा अगर बिगनर है तो एक स्कूप लीजिए, अगर आप यू नो इंटरमीडिएट है तो आप एक से डेढ़ स्कूप में जा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी की यू नो मसल बहुत अच्छे से मैच्योर हो चुकी है, आप एडवांस लेवल में है, तो आप दो स्कूप भी ले सकते हैं वर्कआउट के तुरंत बाद। अब वर्कआउट के तुरंत बाद तो आप ले सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन इनटेक इंक्रीज करना है तो आप वर्कआउट से आधे घंटे जस्ट पहले भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको और स्कूप ऐड करना है अपनी वे प्रोटीन का, तो आप उसे एज अ कैसीन, मैं कभी कभी करती हूँ कि दूध में यू नो मिक्स कर लिया वे प्रोटीन, सो दैट दूध क्या होगा, आपको स्लो डाइजेस्टिंग है, और वे प्रोटीन जो कि बहुत ही फास्ट डाइजेस्टिंग होता है, इसीलिए हम वर्कआउट के तुरंत बाद लेते हैं, सो दैट आपकी बॉडी में तुरंत आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए अगर दूध में आप उसको मिक्स कर दें तो वो एज अ केसिन हो जाता है, मतलब स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन हो जाता है, तो आप उसको दूध में रात में ले सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं भी लेती हूँ गाइस। सो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स वे प्रोटीन से रिलेटेड। मुझे यकीन है अगर आपके घर में किसी को भी वे प्रोटीन से रिलेटेड किसी को भी कन्फ्यूज़न है, तो आप ये वीडियो उनको दिखा सकते हैं और वो कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। सो गाइस चलिए बाबा चेक किया, मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चलो बाबा चेक।